देखिए उसमें थर्मल कंडक्शन में आपने जो सबसे पहले देखा था किरचॉफ करंट लॉ, जिसमें आप ये देखते थे कि अगर हम मेटलिक कंडक्टर्स को ऐसे सिर्फ एक एंड से कांटेक्ट में रखते तो उस केस में आपके पास इसकी कंडक्टिविटी K1, इसकी K2, इसकी K3, ये θ1, ये θ2 और ये θ3, इसको हम लोग अननोन कर देते थे, इसे द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन इज नॉट नोन। तो किरचॉफ करंट लॉ जो आप जानते थे, समेशन एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एंटरिंग एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो जैसे वहाँ करंट के लिए रूल लगाते थे, वैसे है एल्जेब्रिक सम ऑफ द हीट फ्लोइंग थ्रू ऑल ऑफ द कंडक्टर एट जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। मैंने कहा था आपको अगर कभी डिसाइड करना पड़े तो सबसे आसान तरीका होगा डिसाइड करने का कि आप हीट ले लीजिएगा ऑलवेज टुवर्ड जंक्शन से, H1 हीट इज फ्लोइंग से, H2 हीट इज फ्लोइंग से, H3 हीट इज फ्लोइंग, तो सारी इनकमिंग ही हो गई, तो प्लस H1 प्लस H2 प्लस H3 इज इक्वल टू, तो इक्वल टू है ही नहीं, मीन्स आप लिख पाएंगे H1 प्लस H2 प्लस H3 इज इक्वल टू जीरो। बेनिफिट आपको A नहीं दिया, आपको L नहीं दिया, तो A और L छोड़ दीजिए। K1 θ1 माइनस θ प्लस K2 θ2 माइनस θ प्लस K3 θ3 माइनस θ इज इक्वल टू जीरो। जो इक्वेशन जनरेट हुआ इसी में आंसर है। मीन्स अगर एरो पलट रहे हैं तो वाले तो एरो पलट देते तो ये आउटगोइंग हो जाता, ये माइनस लिखते, उसको माइनस लिखते और या तो फिर उधर लिखते, फिर इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। ये चीज़ तो खूब ढेर सारा एग्जांपल इसका डिस्कस किए थे, फिलहाल एक एग्जांपल हमने KCL के लिए आपको दे दिया। यहाँ आपके पास आ जाएगा K1 θ1 माइनस θ प्लस K2 θ2 माइनस थीटा और प्लस K3 θ3 माइनस थीटा, ये सब इनकमिंग है, इक्वल टू हमने आउटगोइंग सो ही नहीं किया, इक्वल टू जीरो। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज भी है अंडर द KVL, व्हीट स्टोन ब्रिज। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो व्हीट स्टोन ब्रिज जानते थे, उस व्हीट स्टोन ब्रिज में आप कहते थे कि 4 रेजिस्टेंसेस होंगे P Q R and S, तो अगर एक रेजिस्टेंस हम यहाँ बीच में ले लेते इन वन ऑफ द डायगोनल अंडर द नेम T, जबकि ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है और ये T, एक तरफ से हम कहते थे करंट एंटरिंग और एक तरफ से कहते थे फाइनली इट इज लीविंग। तो आपको ये बताया गया था कि व्हेन द P by Q इज इक्वल टू R by S, दिस T कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज नो पोटेंशियल डिफरेंस इज सर्वाइविंग अक्रॉस दिस एंड। नाम दे देते हैं इसको, A दे देते हैं, B दे देते हैं, C दे देते हैं, D दे देते हैं, और अगर हम एक करंट इसमें दिखा देते I, तो आपके पास रूल था P by Q इज इक्वल टू R by S, इम्प्लाइज दैट करंट इन BD इज इक्वल टू जीरो, एंड आपने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन BD इज इक्वल टू जीरो, मीन्स पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D। इसको हम लोग यहाँ थर्मल कंडक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं अंडर द नेम 5 कंडक्टर्स को अगर हम अरेंज कर देते लाइक दिस। हमने और भी आपको 9 कंडक्टर्स तक दिखाया था, फिलहाल 5 कंडक्टर आप ले लीजिए नीट के लिए। ऐसा स्ट्रक्चर दिखता आपको, द कंडक्टर 1, द कंडक्टर 2, द कंडक्टर 3, द कंडक्टर 4 एंड द कंडक्टर 5। प्रिंट करना पड़ा क्योंकि डायग्राम स्लैंड हो गया, कोई बात नहीं। इसका रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्ड P, इसका रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्ड Q, इसका रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्ड R, इसका रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्ड S, ये हो गया हॉट एंड और ये हो गया
कूल जो एंड यानी टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, और बीच वाले को आपने टी कहा था। यहाँ हमें रेजिस्टेंस से ज़्यादा कंडक्टिविटी दी जाती है इन केस ऑफ थर्मल कंडक्शन। तो कंडक्टिविटी अगर लिखते तो के वन, के टू, के थ्री, के फोर एंड के फाइव। अगर थर्मल रेजिस्टेंस का रेशियो मेंटेन हो जाता पी बाई क्यू इज़ इक्वल टू आर बाई एस, तो बी और डी सेम टेम्परेचर पर मेंटेन हो जाते, नो टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस बी डी, और इस केस में कोई भी हीट इसमें फ्लो नहीं होती। इसका मतलब दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, जैसे यहाँ नेग्लेक्ट करते थे, इसको कहते थे बैलेंस्ड हीट स्ट्रोम। तो नेक्स्ट केस में ये कैसा दिखता था, नेक्स्ट केस में ये डायग्राम आपको ऐसा दिखता था, दिस एंट्रिंग हो जाता था, ये लीविंग हो जाता था, यहाँ आपके पास पी हो गया, यहाँ आपके पास क्यू हो जाता था, यहाँ आपके पास आर हो जाता था, और यहाँ आपके पास एस हो जाता था। इनको आप क्या करते थे, सीरीज में एज्यूम कर लेते थे, पी प्लस क्यू, इनको आप सीरीज में एज्यूम कर लेते थे, ठीक है, ये आपके पास हो जाता था आर प्लस एस, उसके बाद ये पैरेलल हो जाते थे। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यहाँ इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी का स्ट्रगल है, नॉट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं, तो व्हीट स्टोन ब्रिज इन थर्मल कंडक्शन, व्हीट स्टोन ब्रिज, यहां अगर हम कहते इफ पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, तो इसका मतलब होता कि टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ डी, मीन्स टी पार टी ले लिए ना, ऐसे लिखो डेल्टी अक्रॉस बी डी इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज दैट के फाइव कैन बी नेग्लेक्टेड, के फाइव और टी कैन बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड। और जरा देखिए, तो पी हमने ए नहीं दिया, एल नहीं दिया, छोड़ना है, P फॉर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है 1 बाई के एल बाई ए, यानी कि P की जगह हो जाएगा 1 बाई के, Q की जगह हो जाएगा 1 बाई के, एल बाई ए, एल बाई ए तो सबका कॉमन है, अगर लिखा भी तो कट जाएगा, ठीक है, R, R वाले में रखेंगे तो 1 बाई के, और S में रखेंगे तो हो जाएगा 1 बाई के, क्लियर है, इंप्लाइज दैट क्या आ रहा है, सब रिवर्स कर लीजिए आप फिगर पे, आ रहा है ये के वन बाई के टू इज इक्वल टू के थ्री बाई, जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है वही थर्मल कंडक्शन का रेशियो होता है। अगर इन चार कंडक्टर्स के थर्मल कंडक्टर मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन के वन के टू के थ्री के फोर की वैल्यू ऐसी दी गई है कि दिस बाई दिस बिकम इक्वल टू दिस बाई दिस, तो इसमें कोई हीट फ्लो नहीं होगी, ठीक है, मीन्स आपको व्हीट स्टोन ब्रिज इन थर्मल कंडक्शन मिल रहा है, K1 by K2 is equal to K3 by K4 implies that no heat flows, no, वहाँ no current flows था, यहाँ no heat flows through K5, अगर ऐसा है तो आपके पास यहाँ जो डायग्राम बनेगा उसमें आप सिर्फ चार थर्मल कंडक्टर बनाएंगे, आपने पांचवा छोड़ दिया, तो कितने कैलकुलेशन यहाँ एग्जिस्ट करेंगे इस केस में, ये था K1, ये था K2, ये था K3, ये था K4, ये था हॉट, थीटा हॉट के नाम से या वन के नाम से जानिए, ये था कोल्ड, कोल्ड इसको थीटा C के नाम से जानिए, और ये सम टेम्परेचर इंटरमीडिएट टेम्परेचर थीटा कह लीजिए नाम, और वही टेम्परेचर क्या होगा, इसका भी तो होगा, क्यों, पूरा का पूरा जब टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है तो मतलब P5 का टेम्परेचर कितना होगा, जितना जंक्शन का होगा और जितना इस जंक्शन का होगा उसी टेम्परेचर को मेंटेन होगा। तो अगर ये फाइनल डायग्राम आया तो यहाँ सबसे पहले तो इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी देखिए क्या होगी, इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी में ये दोनों सीरीज में पड़ गए,
और याद कीजिए सीरीज में क्या होता था, सीरीज में होता था L1 प्लस L2 अपान L1 बाई के और प्लस L2 बाई के, L नहीं सोचना, तो L1 प्लस L2 की जगह हो जाएगा 1 प्लस 1, अरे L1 लिखने को तो आप मान लेते लिख ही लिए, L1 प्लस L2 अपान L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2, आपको बताया L1 भी L है L2 भी L है, तो कैसा दिखेगा ये 2L अपान L बाई K1 प्लस L बाई K2, फाइनल सॉल्व करेंगे तो आएगा ट्वाइस K1 K2 अपान K1 प्लस K2, क्लियर है, इन दोनों का तो इन सेम में ये भी तो हटेगा, इससे ट्वाइस K3 K4 अपान K3 प्लस K4, क्लियर है, और दोनों पैरेलल है, अगर दोनों पैरेलल है तो पैरेलल का याद है K1 A1 प्लस K2 A2 अपान A1 प्लस A2, एरिया लेना नहीं है तो K1 प्लस K2 बाई 2 हो जाएगा ना, K1 A1 प्लस K2 A2 अपान A1 प्लस A2 में A1 इसका टू A2 इसका टू, इसका मतलब है इसको 1 कह लेते इसको 2 कह लेते तो क्या कहते, 1 एंड 2 आर इन पैरेलल, 1 एंड 2 आर पैरेलल, आर पैरेलल, तो आपको मिल जाता पैरेलल का रूल होता है कि ए प्लस के डैश ए डैश अपान ए प्लस ए डैश, ये मिलता है, ठीक है, इसको आप एज अ के कह लीजिए, इसको आप के डैश कह लीजिए, ठीक है, K1 K2 इसलिए नहीं लिखो कि K1 K2 है, तो आपके पास फाइनल सॉल्व करने पर ये आएगा K1 K2 अपान K1 प्लस K2 प्लस K3 K4 अपान K3 प्लस K2, ये आएगा सॉल्व करने, यानी कि दे देगा कुछ 2K है 3K है 4K है 5K दे देगा, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा K1 K2 अपान K1 प्लस K2 प्लस K3 K4 अपान K3 प्लस K4, ये हो जाएगा इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी, ये पूरा का पूरा सिस्टम एक अकेले रॉड से हटाया जा सकता है जिसकी इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी होगी K1 K2 अपान K1 प्लस K2 प्लस K3 K4 अपान K3 प्लस K4, एक कैलकुलेशन। दूसरा कैलकुलेशन, अगर इस जंक्शन का टेम्परेचर पूछे होते तो क्या होने जाता, K1 थीटा 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू K2 थीटा माइनस थीटा 2, थीटा निकल जाता, वो थीटा जंक्शन का भी टेम्परेचर होता और वो फिफ्थ कंडक्टर का भी टेम्परेचर होता, क्योंकि उसी टेम्परेचर पर मेंटेन है, मींस आपके पास सेकंड कैलकुलेशन आता इनके लिए, सेकंड कैलकुलेशन जंक्शन टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ फिफ्थ कंडक्टर कितना था, टेम्परेचर ऑफ फिफ्थ कंडक्टर इज इक्वल टू व्हाट, तो आप ऐसे चलकर निकल जाते हैं, ऐसे आपको पता है H1 इज इक्वल टू H2, अगर ऐसा है तो आपके पास आ जाता थीटा K1 थीटा हॉट यानी थीटा 1 माइनस जंक्शन का थीटा इज इक्वल टू K2 थीटा माइनस थीटा 4, ठीक है, जो भी लिखा हो तो अकॉर्डिंगली इसमें आपको थीटा पता चल जाता कि ये जो जंक्शन बना है बीच में इसका टेम्परेचर कितना है, यही टेम्परेचर पूरे रॉड का होता। कई बार तो आपको यही दे दिया है कि इन एक डायगोनल का टेम्परेचर डिफरेंस 100 डिग्री है और दूसरे डायगोनल का टेम्परेचर डिफरेंस बताइए, आंसर जीरो, कहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, बस क्या चेक करना पड़ेगा, क्या इसका के और इसके के का रेशियो क्या इनके के रेशियो के बराबर है, अगर हाँ तो सॉल्व नहीं करना, अगर नहीं तो बात सॉल्व कर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी थर्मल कंडक्शन में आपको जानना चाहिए था, व्हीट स्टोन ब्रीज फॉर थर्मल कंडक्शन, क्योंकि व्हीट स्टोन जो किरचॉफ करंट ला था वैसे व्हीट स्टोन ब्रीज भी यहाँ आता है। अब एंटर करते हैं थर्मल रेडिएशन, क्योंकि इसमें 7 प्रॉब्लम मैंने आपको दी है जो आपके पास प्रैक्टिस पेपर है, 7 प्रॉब्लम्स है, 3 सिंपल है और 3 जो है वो एडजस्टेड, बस बिना लगाए नहीं लगेगा, अच्छे से लगाना पड़ेगा सोच। अब आइए रेडिएशन में ये बात तो पहले ही हो गई थी कि हीट फ्लो के 3 मेथड, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन,
कन्वेक्शन लिक्विड और गैस का प्रॉपर्टी है, कंडक्शन सॉलिड की प्रॉपर्टी है, और रेडिएशन में कोई मटेरियल मीडियम इन्वॉल्व भी नहीं होता, जो हीट है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मूव करती है। जैसे फ्लास्क में रखी चाय ठंडी हो गई, कैसे? क्योंकि फ्लास्क में जो इनर कंटेनर है और जो आउटर सरफेस है, जो बीच में वैक्यूम है, तो अगर वैक्यूम है तो उसमें तो कोई ना एयर मॉलिक्यूल है, तो हीट कैसे कंडक्ट होगी? वो हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में कंडक्ट। तो जब हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में कंडक्ट होती है तो उसको आप थर्मल रेडिएशन कहते हैं। तो थर्मल रेडिएशन में अगर आप देखें तो सबसे पहले इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव ही देखिए, है तो बहुत सी चीज़ें, लेकिन फिर भी अगर क्वांटिटेटिव में आए तो सबसे पहले आपको बताया जाता है कि थर्मल रेडिएशन जिस जोन में आता है, दैट इज द इंफ्रारेड। थर्मल रेडिएशन मतलब टेम्परेचर से, और टेम्परेचर इन्वॉल्व है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड यानी ये इंफ्रारेड है, और इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ जोन होती है वो होती है 8000 एंगस्ट्रॉम टू 2×10⁷ एंगस्ट्रॉम, इन्हीं को हम लोग एज अ थर्मल वेव्स के नाम से जानते हैं। थर्मल वेव्स, इन्हीं से कुकिंग है या जो भी हीटिंग सेंस है वो इन्हीं की वजह से, ठीक है। दूसरा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तीसरा, मीडियम की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इनके चलने में, और ये स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपेगेट कर, यानी कि रेडिएशन में हीट स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। इनके लिए ये भी बताया जाता है कि जब किसी बॉडी पर हीट आती है, किसी भी बॉडी को हीट मिलती है, तो उस बॉडी को मिलने वाली हीट क्यू का कुछ प्रोपोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ प्रोपोर्शन एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ प्रोपोर्शन ट्रांसमिट हो जाता है, और कुछ प्रोपोर्शन इमिट आउट हो जाता है। कहते हैं रेट इज इक्वल टू वन, रिफ्लेक्टिविटी प्लस एब्जॉर्प्टिविटी प्लस ट्रांसमिटिविटी प्लस इमिसिविटी इज इक्वल टू 100%। सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, सम पार्ट इज एब्जॉर्ब, सम पार्ट इज ट्रांसमिटेड, सम पार्ट इज इमिटेड। किसी भी बॉडी को जैसे ही हीट दी जाएगी, थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसी टाइम में कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा, क्रॉस करके निकल जाएगा, और कुछ उसके सरफेस से रेडिएट हो जाएगा। ये भी कहा जाता है कि इसमें रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन पहले होता है, तब ट्रांसमिशन और एमिशन होता है, यानी जब तक एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा तब तक ट्रांसमिशन और एमिशन नहीं होगा। तो उसमें से टी और ई को हटा लेते हैं तो आर प्लस ए इज इक्वल टू वन। तो कहते नहीं है कि अगर आर इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ए इज इक्वल टू वन आ जाएगा, गुड एब्जॉर्बर बैड रिफ्लेक्ट, और अगर R is equal to 1 करेंगे गुड रिफ्लेक्टर तो बैड एब्जॉर्बर हो जाएगा। क्लियर है? तो गुड एब्जॉर्बर अगर है तो बैड रिफ्लेक्टर होगा, इसीलिए सरफेसेस को पॉलिश कर दिया जाता है जो हीट को फेस करती है। अगर हमें उन्हें गर्म नहीं रखना है तो क्या करेंगे, हीट को रिफ्लेक्ट कर और सरफेस को रफ कर देते हैं तो वो एब्जॉर्बर बनता है। क्यों? क्योंकि रफ सरफेस का मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा, मीन्स मॉलिक्यूल ज़्यादा, मतलब टेम्परेचर भी रही स्टेंट का, तो रफ सरफेसेस की एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होती है। जैसे डेली लाइफ की बात करें तो ब्लैक ऑब्जेक्ट या ब्लैक कलर में टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। खास बात, जब ये सब डिस्कस हुआ तो ये पाया गया कि कभी भी ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है का मतलब कोई भी बॉडी 100% एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकती। इसको डिस्कस करने वाले थे किरचॉफ, तो पहला रूल आपके उसमें आता है सिलेबस में किरचॉफ्स लॉ। उनका एक चीज और कहना था कि a इज इक्वल टू 1 किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ के लिए हो सकता है, फॉर ऑल ऑफ द वेवलेंथ के लिए नहीं हो सकता। अगर a इज इक्वल टू 1 है, इफ a इज इक्वल टू 1, तो इसका नाम रखा गया परफेक्ट ब्लैक बॉडी, मतलब सभी वेवलेंथ को 100% एब्जॉर्ब कर रही है, तो फिर दिखेगी कैसे? दिखेगी तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो सभी वेवलेंथ को 100% एब्जॉर्ब करे। इसका मतलब है परफेक्ट ब्लैक बॉडी नाम दिया गया है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, और हमको पता है कि दिस इज नेवर पॉसिबल, क्योंकि अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी होगी तो डिसअपीयर हो जाएगी, ठीक है। अब आइए तो करें क्या, इन्होंने कहा कि हर बॉडी का एक फीचर है कि वो कुछ वेवलेंथ को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, कुछ वेवलेंथ को कम,
और इसको उन्होंने किरचॉफ लॉ में एक्सप्लेन किया बाय गिविंग द मैथमेटिक्स बाय गिविंग द स्टेटमेंट आल्सो दोनों चीज दी स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि व्हाई द रेड कलर इज सीमिंग टू बी रेड और व्हाई द ग्रीन कलर इज सीमिंग टू बी ग्रीन बड़ा सिंपल सा फंडा था कि जब रेडिएशंस में वो बॉडी आई या लाइट को उसने फेस किया तो उस लाइट को या उस रेडिएशन को उसने रिफ्लेक्ट किया जिस रेडिएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ उसके पास थे जो था उसको उसने एक्सेप्ट नहीं किया यानी रेड कलर का था तो रेड एक्सेप्ट नहीं किया रिफ्लेक्ट बैक इसीलिए रेड दिखा और इविडेंस कैसे हम मान लें इविडेंस ये था कि रेड ऑब्जेक्ट को जब हीट करते थे तो ग्रीन दिखता था तो अब ये ग्रीन क्यों दिखता था कलर वेरिएशन क्यों होगा भैया जब हीट किए तो उसने रेड लिया ही नहीं था तो रेड लिया नहीं था तो जब उसको हम छोड़ रहे हैं फ्री कर रहे हैं ठीक है तो जितना हीट उसने लिया था वही तो वापस करेगा सातों कलर में से रेड हटा लीजिए ग्रीन हो जाएगा दिस मीन्स दैट एक रेड ग्लास पीस को जब हीट किया गया तो रेड अपीयरेंस था और जब कूल किया गया तो ग्रीन अपीयरेंस था तो जब हीट कर रहे थे तो वो रेड था तो रेड लिया नहीं तो अपीयरेंस रेड रहा और जब उसको ठंडा होने के लिए रखे तो रेड लिया नहीं था जो लिया था हमें वापस किया सातों कलर में से रेड नहीं लिया था बाकी वापस किया ये तो सातों कलर में से अगर रेड हटा ले तो इसका इन्फ्लुएंस ग्रीनिश ग्लो हो जाएगा इसीलिए वो ग्रीन कलर का दिख रहा है यही चीज़ ग्रीन कलर के ग्लास के लिए थी जब ग्रीन कलर के ग्लास को हीट किया गया तो ग्रीनिश ग्लो मिला ऑब्वियसली क्योंकि जब उसको हीट दी जा रही थी तो ये उन रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर रहा था जिन रेडिएशंस की वेवलेंथ इसके पास थी तो ग्रीन कलर का था ग्रीन रिफ्लेक्ट किया सो ग्रीनिश ग्लो आपको मिला लेकिन जब इसको कूल होने के लिए रखा गया तो ये ग्रीन नहीं दिख रहा ऐसा इसलिए क्योंकि इसने ग्रीन लिया नहीं तो ग्रीन देगा भी तो अगर सातों कलर में से ग्रीन हटा लें तो ये रेड अपीयरेंस में चला गया तो इस तरीके से उन्होंने लेबोरेटरी एविडेंसेस के थ्रू ये कन्फर्म किया कि कोई भी बॉडी सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती ठीक है तो अगर एब्जॉर्ब कर सकती तो उसको हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहते और वो हमें दिखती नहीं उन्होंने कहा कि ए लैम्डा इज इक्वल टू 1 हो सकता है ए लैम्डा इज इक्वल टू 1 का मतलब फॉर सम वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन इज 100% इसको स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिविटी बोला गया और इसको सिर्फ एब्जॉर्प्टिविटी बोला तो सिर्फ एब्जॉर्प्टिविटी 1 नहीं हो सकती स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिविटी 1 हो सकती है कोई बॉडी ऐसी हो सकती है जो किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ को 100% एब्जॉर्ब कर बेस्ट एग्जांपल दिया गया कि कोई भी कलर्ड ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वो कलर्ड ऑब्जेक्ट जिस कलर का उसको छोड़ के बाकी सब को 100% एब्जॉर्ब कर और ब्लैक को माना जाता है कोई कलर ही नहीं तो कोई कलर ही नहीं है इसका मतलब मैक्सिमम प्रोपोर्शन एब्जॉर्ब करेगा इसीलिए जो बॉडी 100% एब्जॉर्बर हुई उनको ब्लैक बॉडी नाम दिया गया डजंट मीन दैट वो ब्लैक होंगी क्योंकि सन इज द परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्यों उसके पास बहुत हाई टेम्परेचर है और सभी वेवलेंथ है लेकिन ब्लैक तो नहीं होगा एक कोल्ड फर्नेस कोल्ड फर्नेस है उसके पास जब वो दहक रहा है तो उसमें वैरायटी ऑफ वेवलेंथ है वो भी तो काला नहीं है उसकी भी अपीयरेंस तो एकदम ऑरेंज कलर की है उसकी अपीयरेंस ठीक है लाइट ऑरेंज कलर का वो दिखेगा आपको और इनिशियली आपको वो हॉट रेड हॉट दिखता है रक्त तप्त कहते हैं उसको रेड हॉट एकदम लाल दिखे लेकिन जब एकदम सैचुरेट हो जाएगा तो धीरे धीरे वो वाइट होने लगेगा तो आगे चल करके हम देखेंगे कि टेम्परेचर से कलर डिसाइड या कलर से टेम्परेचर डिसाइड कर सकते हैं फिलहाल कोई भी बॉडी किसी भी रेडिएशन को 100% अब्सॉर्ब नहीं कर पाई सो ए कैन नेवर बी इक्वल टू 1 अगर है तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी हाँ ये हो सकता है कि सम वेवलेंथ है जिनको ये अब्सॉर्ब करेगी खास बात की जिन वेवलेंथ को ये अब्सॉर्ब करेगी उन्हीं को इमिट भी करेगी भाई जो लिया नहीं उसको इमिट कहाँ से कर देगी तो उन्होंने कहा कि ई लैम्डा बाई ए लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जिन वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन हुआ उन्हीं वेवलेंथ का एमिशन होगा मोर एब्जॉर्प्शन मोर एमिशन लेस एब्जॉर्प्शन लेस एमिशन यानी गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर इसी को किरचॉफ लॉ कहते हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा तो मेजरमेंट कैसे करेंगे मान ली दिक्कत मेजरमेंट तो गुड है एब्जॉर्ब हुआ लगता था लेकिन कभी इमिशन देगा या जो हमारा रूल फॉलो नहीं कर रहा उसका ई लैम्डा बाई ए लैम्डा इनफाइनाइट एब्जॉर्प्शन ई लैम्डा
अरे तो वो तो आपने तो कुछ इससे बाहर निकलना है, इसका प्रूफ तो है नहीं ना, वो तो उन लोगों ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर प्रेडिक्ट कर लिया मेजरमेंट हम कैसे कर पाए, तो माना कि जो ई लगता भाई ये नफा भी नहीं कर रहा, इसको किरचाफ ला के नाम से जाना गया। और अब यहाँ प्रोफेसर फेरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ऐसी बॉडी बनाई विच वॉज कैपेबल टू एब्जॉर्व ऑल ऑफ द वेवलेंथ 100%। आपने उसको कहा प्रोफेसर फेरीज ब्लैक बॉडी। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें अगर रेडिएशन स्टडी करना है तो एक ऐसी बॉडी चाहिए जो सभी वेवलेंथ पर एब्जॉर्व करे, तो इसके लिए लेबोरेटिकली एक बॉडी डिजाइन की गई जो सभी, क्योंकि डेली लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है। ब्लैक कलर एक ऐसा है जो मोस्ट ऑफ द वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है 100%। हमको और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन चाहिए, तो इसके लिए प्रोफेसर फेरी ने कॉन्सेप्ट दिया ब्लैक बॉडी का। उन्होंने कहा कि डबल वॉल्ड मेटलिक वॉल का एक बाउल वॉल लीजिए विथ नैरो ओपनिंग, ये डबल वॉल्ड है और नैरो ओपनिंग। उन्होंने कहा इंटीरियर सरफेस को ब्लैकनिंग कर दीजिए, हिंदी बोले करीखा पोत दीजिए, ठीक है, दैट इज प्लेटिनम ब्लैक कहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ओपनिंग है उसके ठीक सामने एक कोन प्रोवाइड कीजिए ताकि नॉर्मल रिफ्लेक्टेंस का चांस जीरो हो जाए, क्योंकि अगर मान लेते हैं नॉर्मली इंसिडेंस होगा तो पता चला रिफ्लेक्ट हो गया, तो कोन लगा देंगे तो कोन के साथ फेस पर स्ट्राइकिंग की प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई। होगा क्या, ये गिरा अब फट से ऐसे जाएगा, नहीं ऑब्जर्व हुआ तो मल्टीपली रिफ्लेक्ट होता रहेगा इसी में, लेकिन बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि एक ही रास्ता था जाने का और वो था नैरो होल, और वो उससे तभी बाहर निकल सकता था जब नॉर्मल इंसिडेंस होता, यानी कि अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो भी निकल तो नहीं पाएगा, ट्रैप हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फेरी ने डबल वॉल्ड मेटलिक वॉल, हॉलो मेटलिक वॉल डिजाइन की विथ अ नैरो होल जिसके इंटीरियर सरफेस को उन्होंने ब्लैकन कर दिया ताकि मैक्सिमम प्रोपोर्शन एब्जॉर्ब हो जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो उसको मल्टीपली रिफ्लेक्शन में सेट कर लिया इन सच अ वे कि वो ट्रैप हुआ कभी बाहर नहीं जा पाएगा। इस तरीके से ये एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को इसमें दूसरा रूल ये देखना है कि किसी बॉडी को अगर हम टी टेम्परेचर दे देते पर मेंटेन कर देते तो तुरंत ये रेडिएशन इन्वॉल्व करता, मीन्स रेडिएट होता इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो रेडिएट होने पर हमें एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम देता, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, इसको स्टीफेंस लॉ के नाम से जाना। कि कोई भी बॉडी अगर किसी टी टेम्परेचर पर मेंटेन है तो उस टेम्परेचर से जो ये रेडिएशन जनरेट करेगी उस रेडिएशन की वैल्यू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगी। मतलब अगर 2 केल्विन पर बॉडी है तो 2 to the power 4 उसका जो एनर्जी रेडिएशन होगा बाय यूनिट एरिया बाय यूनिट टाइम वो 2 to the power 4 यानी कि 16 के आसपास होगा, बाकी तो प्रोपोर्शनल है। इसको ठीक से लिखते तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स कॉन्स्टेंट आ जाएगा ए टी, ये हो जाएगा इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। आपको ये हाइड करके दिया जाता है, लिखते हैं आप इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4, डायमेंशनली नहीं मैच करेगा अगर आप चेक करें तो, एक्चुअली में पर यूनिट एरिया पर यूनिट का उसमें हिडन है। मतलब स्टीफन्स लॉ में अगर मैं कहता टोटल एरिया इज ए टोटल टाइम इज टी तो उस केस में आपको मिल जाता सिग्मा ए टी टी टू द पावर 4। अगर बॉडी के पास टेम्परेचर है और उसको कवर कर दे आइसोलेट कर दे तो तब तो रेडिएट नहीं कर पाएगा, तो अगर रेडिएट नहीं कर पाएगा तो उसके केस में तो टेम्परेचर है ई जीरो हो गया, तो इसका मतलब है कि एरिया और टाइम दोनों पर डिपेंडेंसी आई ना। तो जब इसको करेक्ट किया गया, करेक्ट क्यों किया गया, करेक्ट इसलिए किया गया कि दो चीज़ है, एक तो कोई भी बॉडी 100% कभी भी इमिशन नहीं कर सकती, एक चीज़, ठीक है, और दूसरा ये कि किसी भी बॉडी का एक केस ऐसा आता है, एक टेम्परेचर ऐसा जिस टेम्परेचर पर वो अपना टेम्परेचर कांस्टेंट कर लेती है, क्या कहते हैं इसको आप, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब एक केस ऐसा आएगा जब वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर होल्ड हो चुकी है, तो इनके हिसाब से तो लग रहा है कि जब तक टेम्परेचर मेंटेन है तब तक ये हीट रेडिएट करता रहेगा, तो ये कैसे एक्सप्लेन होगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम में रेडिएशन नहीं होता है जब बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। तो टोटल करेक्शन करके अगर हम फार्मूला लिखें तो स्टीफेंस का पॉइंट, हमारा काम तो इसी से चल जाएगा, नो डाउट,
लेकिन अगर हम फाइनली ओवरऑल सारे करेक्शन इन्वॉल्व कर लें तो स्टीफेंस लॉ आपको मिलता है, स्टीफेंस लॉ आपको मिलता है इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टाइम टी टू द पावर 4 माइनस टी 0 टू द पावर 4। टी बॉडी टेम्परेचर है, जिस बॉडी की बात हो रही है बॉडी टेम्परेचर, और टी 0 जो है ये सराउंडिंग टेम्परेचर है। देखिए इसमें सब कुछ आ गया, टाइम ऑफ एक्सपोजर आ गया, कितना एरिया रेडिएट कर रहा है वो भी आ गया, कितनी इमिसिविटी है वो भी आ गया, और अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर हुआ तो फट से ई 0 हो जाएगा। ई 0 होने का मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम। ई 0 होने का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी ने रेडिएशन बंद कर दिया। ई 0 होने का मतलब होता है अपने टेम्परेचर की वजह से जितना रेडिएट करेगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से उतना कैप्चर भी करेगा, तो फिर तो उसका टेम्परेचर वेरिएशन तो रुक गया। यानी कि आपसे पूछता है कि कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम इज दैट कि क्या कोई हीट नहीं फ्लो रही। आंसर है नो। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का ये मतलब कभी नहीं था कि हीट फ्लो रुक जाए। हमारी बॉडी की वजह से रेडिएट हो रहा है और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से एब्जॉर्ब हो रहा है, तो अगर ये रेट दोनों बराबर हो जाए डिसिपेशन और एब्जॉर्प्शन तो बॉडी का टेम्परेचर तो होल्ड हो जाएगा ना। इसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब अगर हमारे पास स्टीफेंस लॉ आ गया तो इसमें तो बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम आता है, यही तो आता है एक बॉडी का टेम्परेचर 27 डिग्री, एक बॉडी का 127 डिग्री, रेडिएटेड हीट का रेशियो बताओ। ई प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4 से रेशियो ले लेते हैं, आपका काम हो जाता है। ठीक है, ईवन प्रोपोर्शनल टू टी 1 टू द पावर 4 देखिएगा कैल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी यहीं से आपका काम हो जाता है, इसकी जरूरत आपको कहीं नहीं पड़ेगी। लेकिन ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द करेक्शन डन इन स्टीफेंस लॉ। तो इमिसिविटी, एरिया, टाइम ऑफ एक्सपोजर और सराउंडिंग टेम्परेचर, इतने करेक्शन इनको एक्सेप्ट करने पड़े थे तब जाके ये बॉडी के हीट रेडिएट करने को एक्सप्लेन करता है। इसके तुरंत बाद आपको देखना पड़ता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ये कहा गया कि किसी बॉडी के कूल होने की जो रेट है वो इस पर नहीं डिपेंडेंट है कि वो दैट इज, यहाँ तो पढ़ के ही लग रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट ई इज डिपेंडिंग ऑन द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, मतलब 2 केल्विन पर है तो 2 टू द पावर 4 से डिसिपेट करेगा, 3 केल्विन पर है तो 3 टू द पावर 4 से, 100 केल्विन पर है तो 100 टू द पावर 4 से डिसिपेशन दूसरी चीज़ है। ये बता रहा है कि अपने टेम्परेचर टी की वजह से बाय सम एरिया ए बाय सम टाइम टी ये कितना हीट दे सकता है, दिया है या नहीं दिया है ये नहीं बता रहा है। मीन्स किसी बॉडी के हीट रेडिएट करने की रेट दूसरी है, ये तो ये बता रहा है कि वो उस टी टेम्परेचर की वजह से कितना हीट दे सकता है, दिया है इसकी गारंटी नहीं है, तो कितना दे रहा है। दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि कोई भी बॉडी जो रेडिएट कर रही है अपने टेम्परेचर की वजह से वो सिर्फ इसलिए कि उसका सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर डिफरेंस है, कोई मतलब नहीं है कि स्टीफेंस लॉ क्या है, कोई मतलब नहीं है कि एक्सपोजर एरिया क्या है। मतलब सिर्फ ठीक है एक्सपोजर एरिया तो रखना है, एक्सपोजर एरिया तो रखेंगे, एक्सपोजर एरिया ही नहीं रहेगा मतलब आइसोलेट कर देंगे तो फिर रेडिएट कैसे करेगा। मतलब न्यूटन ने कूलिंग के लिए जो स्टेटमेंट किया वो सिर्फ इतना था कि कोई बॉडी अगर हीट डिसिपेट कर रही है तो उसका हीट डिसिपेशन उसके सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंडेंट होगा। अगर ऐसा है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंगली अगर मैं कहता कि मैंने जस्ट चाय बनाई और कप में ढाल दिया तो उस केस में हम जस्ट अगर कप ऑफ टी की बात करें तो जो कप ऑफ टी में टी का टेम्परेचर था वो 100 डिग्री था, और जबकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रफली 30 डिग्री के आसपास होता है, तो पहले डिफरेंस कितना है, पहले डिफरेंस 70 डिग्री सेल्सियस था, थोड़ी देर बाद ये गिर के पता चला कि 90 डिग्री हो गया, तो अब डिफरेंस कितना है, अब डिफरेंस 60 डिग्री सेल्सियस का है, पता चला थोड़ी देर में गिर के 80 डिग्री सेल्सियस हो गया,
तो अब टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, अब 50 डिग्री सेल्सियस का है। इन्होंने कहा कि पहले कूलिंग रेट फास्ट है, मतलब पहले टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो ये अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा डिसिपेट करेगा, और जैसे जैसे नियर टू द सराउंडिंग होता है, अब ऐसे सोच रहे हैं एक ठंडी चाय है तो क्या ठंडी हुई उल्टी जम जाएगी क्या, जिस रेट से वो ठंडी हुई आधे घंटे में पूरी ठंडी हो गई तो आधा घंटा और छोड़ दीजिए कुल्फी जम जाए, यही ना। लेकिन ऐसा नहीं, इनफाइनाइट टाइम लगेगा कुल्फी जमने, क्यों? क्योंकि पहले जब वो जस्ट बॉयल करके कप में आई तो 100 पर थी और सराउंडिंग 30 पर था, डिफरेंस 70 का था जो कि काफ़ी ज़्यादा था, इसने काफ़ी तेज डिसिपेट किया, पता चला कि 10 डिग्री सेल्सियस एक ही मिनट में उड़ा दिया, 90 डिग्री पर आ गया। अब 90 डिग्री का एटमॉस्फेयर के साथ डिफरेंस थोड़ा कम हो गया, अगर उतना ही टाइम पर चेक करेंगे तो पहले इंटरवल में जितना हीट लॉस था उतना हीट लॉस नहीं आया, यानी जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के पास आता है वैसे वैसे वो स्लो होती जाती है डिसिपेशन। इसको उन्होंने न्यूमेरिकल में कन्वर्ट किया और यही 3 साल से लगातार आ रहा है। इस साल सोलर रेडिएशन का चांस है, वैसे तो दे सकते हैं कोई वो नहीं है, देख लेंगे, लेकिन सोलर रेडिएशन का चांस है। पहले हम उन प्रॉब्लम्स को यहाँ देख रहे हैं जो प्रॉब्लम पूछी गई आपसे, अगर इनका डिस्कशन उठाए तो इनका डिस्कशन यही है, मीन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इनका कहना था कि dQ/dT ये हीट चेंज है, और देखिएगा ये टाइम है, ये टोटल मिला के क्या हो गया, कूलिंग रेट हो गई, कूलिंग रेट। ठीक, हमारे पास एक बॉडी है एट हाई टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर थीटा, और सराउंडिंग जिससे कंपेयर करना है उसका टेम्परेचर थीटा नॉट। तो इनका कहना था कि बॉडी का सराउंडिंग से टेम्परेचर डिफरेंस थीटा माइनस थीटा नॉट, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कूलिंग रेट, यानी कि dQ/dT प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, अगर देखें इसको तो हीट जो इधर हीट ले लीजिए आप डिसिपेशन, और इधर आप ले लीजिए टेम्परेचर डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस टाइम ले लीजिए आप, टाइम के साथ आपका ग्राफ आ जाए, ये आएगा ग्राफ टाइम के साथ। इनिशियली टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना, और डिसिपेशन देखिए क्या इनफाइनाइट। नेक्स्ट केस में क्या होगा, अगले टाइम पर देखेंगे टेम्परेचर, आपको पता है कि अभी बॉडी थोड़ी लो टेम्परेचर पर आ गई, यानी सराउंडिंग के पास आ गई, टेम्परेचर डिफरेंस कम हुआ, डिफरेंट डिसिपेशन रेट कम हो गई, और नेक्स्ट टाइम पर देखेंगे डिसिपेशन और कम हो गया, नेक्स्ट टाइम पर देखेंगे डिसिपेशन और कम हो गया, नेक्स्ट टाइम पर, मतलब देख रहे हैं क्या हो रहा है, मतलब उसको पूरी तरह से एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पर आने में इनफाइनाइट टाइम लगने वाला है। तो पहले टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा था तो ये फास्ट रेडिएट किया, और जब इसका टेम्परेचर नियर द सराउंडिंग होने लगा तो ये स्लो होता चला। अब आइए इस पर प्रॉब्लम जो देते हैं वो ऐसे देते हैं, पहले देख लीजिए फार्मूला, और हम लोग देखेंगे कि हम लोग को फार्मूले की जरूरत ही नहीं है, हम लोग डायरेक्ट सोच देते हैं। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में ऐसे देखिएगा, इन्होंने कहा कि एक बॉडी है जो थीटा 1 से थीटा 2 टेम्परेचर पे पहुंच गई इन टाइम टी। ठीक है, बॉडी किसी थीटा 1 टेम्परेचर पे थी, थीटा 2 टेम्परेचर पर पहुंच गई इन टाइम टी, सराउंडिंग टेम्परेचर थीटा ना, सराउंडिंग टेम्परेचर इज थीटा नॉट। तो हमसे कह रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लिख के दिखाइए,
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का मतलब नहीं है? डिसिपेशन रेट पर यूनिट टाइम प्रोपोर्शनल टू बॉडी का सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर डिफरेंस। बॉडी का टेम्परेचर पहले कितना है ये तो डिसाइड कर लीजिए। थीटा वन से थीटा टू होने का मतलब समझ रहे हैं, मीन टेम्परेचर को बॉडी का टेम्परेचर मानेंगे, यानी बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा थीटा वन प्लस थीटा टू बाई, ये बॉडी का टेम्परेचर माना जाएगा। इसका मतलब है हीट डिसिपेशन पर यूनिट टाइम, मतलब क्या बॉडी का टेम्परेचर तो थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू का सराउंडिंग के साथ डिफरेंस है, मतलब बॉडी के का टेम्परेचर क्या है। अगर थीटा वन से थीटा टू हो गई तो मीन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू और सराउंडिंग से डिफरेंस ये डिसाइड करेगा उसका डी क्यू बाई डी। ठीक है, हमने न्यूटन्स लिख दिया। मान लेते हैं प्रॉब्लम में हम आए तो प्रॉब्लम ऐसे ही तो देता है कि 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस जाने में लगे 10 मिनट। ठीक है, तो बताइए 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस जाने में कितना टाइम लगेगा? सराउंडिंग टेम्परेचर आपको दे रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पक्का पार्टी रीचेस फ्रॉम 80 टू 70 इन 10 मिनट, देन कैलकुलेट द टाइम टू बिकम कूल फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, टेक द सराउंडिंग टेम्परेचर एज द 30 डिग्री सेल्सियस। आप ऐसे सोच लीजिए 80 और 70 का मीन 75 होगा, ये यहाँ बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा, और 70 टू 60 का मतलब 65 डिग्री यहाँ बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा। क्लियर है? पहले वाले में देखिए तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि 80 टू 70 का मतलब 10 डिग्री सेल्सियस डिसअपियर कितने टाइम में? 10 मिनट। क्या ये रेट नहीं हो गया dT by dt का? ms डेल्टा थीटा से सोच लीजिए, ms हाइट कर लिए क्योंकि तो बॉडी तो पहले भी वही थी और अभी भी वही है, तो m और s तो कांस्टेंट हो गया, मतलब dQ by dt क्या हो गया? टेंपरेचर वेरिएशन इन टाइम, इधर वाला स्टेप हो गया, कितना टेंपरेचर वेरी किया 80 टू 70 का मतलब 10 डिग्री वेरी किया, कितने देर में वेरी किया 10 मिनट में वेरी किया। ये किस पे डिपेंडेंट है? बॉडी के टेंपरेचर 75 का सराउंडिंग के टेंपरेचर डिफरेंस पर। क्लियर है? अगर यही चीज दोबारा लिखते तो फिर 70 टू 60 होने का मतलब फिर 10 डिग्री सेल्सियस गायब होने वाला है, कितनी देर में नहीं पता। किस पे डिपेंडेंट होगा? बॉडी के टेंपरेचर का सराउंडिंग से टेंपरेचर डिफरेंस। कहां किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़े, अगर आप एडजस्टमेंट सीख लें तो डायरेक्ट आप सोच लेंगे 80 टू 70 मतलब 10 डिग्री गायब हुआ इन 10 मिनट, यानी रेट पता चल गया 10 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट, और ये किस वजह से है? क्योंकि बॉडी का सराउंडिंग के साथ एक डिफरेंस। दो बार लिखिए, रेशियो ले लेते तो आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी नहीं लाना पड़ेगा ना एमएस एमएस का चक्कर आएगा। अगर रेशियो ले लेते तो आपके पास आ जाता टी बाई 10 मिनट, क्यों ये और ये कैंसिल हो जाता टी बाई 10 मिनट, और इधर आ जाता 75 में से 30 जाएगा तो 45 अपान ये हो जाएगा 35। क्यों चलेगा 9.1? ठीक है, उठा के दे दीजिए इसको। क्लियर टाइम कितना लग रहा है? 13 मिनट। क्लियर टाइम क्यों बढ़ गया? पहले जो टेम्परेचर डिफरेंस था वो 75 माइनस 30 ज्यादा था इन कंपेरिजन टू बार बार। ठीक है, एक बार और एक प्रॉब्लम लगा लीजिए, खुद लगाइए देखिए क्या आंसर पा रहे हैं। One more problem. अगर मैं कहता
90 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस में 5 मिनट लगे तो 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होने में कितना टाइम लगेगा? सराउंडिंग टेम्परेचर 25 डिग्री। दस तीन मिनट और किसी का टेन मिनट बढ़िया एडजस्ट कर दिया कि हमारा तो थोड़ा उबड़ खबड़ आया था, आपका देखो साफ सुथरा आया है, मतलब सीधे सीधे कैंसिल हो गया और ये आ गया 15 मिनट। ये तीन साल से लगातार आया बस, टू पाले 18 में नहीं दिया छोड़। तब इसके बाद आपको देखना होता है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब ये है, स्पेक्ट्रल मतलब वैरायटी ऑफ वेवलेंथ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब एक बॉडी जो सभी वेवलेंथ या बहुत हाई टेम्परेचर, जब एक बहुत हाई टेम्परेचर की बॉडी से रेडिएटेड टेम्परेचर को डिस्कस किया गया तो पाया गया कि इसके पास बंच ऑफ वेवलेंथ है। अरे आप सन रेडिएशन की बात कर लीजिए ना, जब आप देखते हैं तो येलोइज दिखता है, लेकिन जब उसको आप अच्छे रिजॉल्विंग इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं या प्रिज्म से, तो सेवन कलर में स्प्लिट हो जाता है। मतलब क्या है, सन के टेम्परेचर का एक कलर है और उस कलर को रिजॉल्व करने पर और भी कई कलर, मतलब कोई भी बॉडी अगर किसी टेम्परेचर पर मेंटेन है तो उससे जो थर्मल रेडिएशंस है वो बंच ऑफ वेवलेंथ कंटेन करता है, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना व्हाई, जैसे हम लोग के फैमिली में मेंबर्स होते हैं वैसे ही किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर रेडिएटेड एनर्जी पैकेट्स में बंच ऑफ वेवलेंथ होते हैं। खास बात ये है, थ्योरी का नाम तो दे दिया इन्होंने स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको ग्राफ में भी उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, उस ग्राफ से इन्फेरेंसेस लेने हैं आपको और उन इन्फेरेंसेस से फिर मेमेक करना होगा, यानी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मोटिव तो क्लियर है कि किसी बॉडी को अगर किसी टी टेम्परेचर पर मेंटेन कर दें तो रेडिएट करना शुरू कर दें, उस रेडिएशन में जो एनर्जी पैकेट्स हैं वो बंच ऑफ वेवलेंथ कंटेन करते हैं, मतलब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर रेडिएटेड एनर्जी बहुत सारे वेवलेंथ कंटेन करती है और सभी वेवलेंथ पर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है, इसी को एक्सप्लेन करना इनका पर्पस था। इसको डायग्राम में इन्होंने ऐसे खींचा कि किसी बॉडी को इन्होंने किसी टेम्परेचर टी पर मेंटेन कर लिया, तुरंत ये रेडिएट करने लगा, जब ये रेडिएट करने लगा तो इन्होंने देखा कि तो बहुत सारे वेवलेंथ कंटेन कर रहा है, ये सिंगल वेवलेंथ नहीं है,
ये लैम्डा वन कंटेन कर रहा है, लैम्डा टू कंटेन कर रहा है, लैम्डा थ्री कंटेन कर रहा है, लैम्डा फोर, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबकी एनर्जी कैरीड भी अलग अलग है। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर रेडिएशन में वैरायटी ऑफ वेवलेंथ है और सभी वेवलेंथ पर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। तो ई लैम्डा फोर, ई लैम्डा थ्री, ई लैम्डा टू, ई लैम्डा वन, तुरंत इन्होंने एनर्जी वर्सेज वेवलेंथ का एट द गिवन टेम्परेचर ग्राफ खींचा। जब इन्होंने इसको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर मेंटेन किया और डिफरेंट वेवलेंथ को ट्रेस किया और उन वेवलेंथ पर एनर्जी को मेजर किया, तो उनको पहला ग्राफ मिला लाइक दिस। फिर उन्होंने हायर टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर बढ़ाया और फिर उन्होंने डिफरेंट वेवलेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी को डिस्कस किया, तो उनको